ज्यादा लाइफ को गई, तेरे लोटों की खुशबू से लाख गुना बेहतर। यहाँ तक आने के लिए भी मेरे नोट ही लगते हैं। मुझे लगा ड्रॉ होगा। तू बस स्टैटिस्टिक्स में घुसा रहे, वो इसका मोरल देखा है, और क्रिकेट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। गेम तो ऑन है बस। दरवाजा खुला है और खुला रहेगा, और प्यार बना है बना रहेगा, लगता तो ऐसे ही है। जिस दिन नहीं लगे दरवाजा क्या कर लेगा। जाते हैं भी दूसरों की शादी में, पर एक बात समझ में नहीं आती, लोग शादी करते क्यों हैं? जिस दिन समझ में आ जाएगी हम भी कर लेंगे, पत्थर पे तो नहीं लिखा। किसके घर आए हो? बहन के। बेशरम। अरे तो और क्या कहता, तुम्हारा लिव इन बॉयफ्रेंड। रिलेशनशिप हमारी भी हुई है, जम के हुई है, लेकिन इस शादी और कमिटमेंट साली और बात। शादी ना होगी, आईसीयू का ग्लूकोज हो गया, हर चीज का इलाज। सच के आसपास वाला झूठ पकड़ना मुश्किल होता है। कलकत्ता पुलिस डील नहीं करता। किसी ने मुझसे कहा था कि कलकत्ता की पुलिस कलकत्ता की हिफाजत करती। अब सबके साथ धोखा हुआ। क्या हमको भी एक चांस दीजिए ना सर। सर हम सोच रहे थे कि हम कर क्या रहे, हम एक क्रिकेटर हैं लेकिन टीसी का काम कर रहे हैं खड़कपुर स्टेशन पे। ये बात नहीं है कि हमको ये काम छोटा लगता है सर, लेकिन हमको ये समझ में नहीं आ रहा कि हम यहाँ से आगे कैसे खेलेंगे। रोज हमारी लाइफ में क्या चल रहा है सर हम ही जानते हैं। 8013 अप और 8029 डाउन के बीच में हमारा जॉगिंग हो जाता है, फिर गेट नंबर 3 के सामने खड़े होकर फाइन इकट्ठा करते हैं। ना तो हमारा गेम इंप्रूव हो रहा है सर, ना हमको कोई आगे अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, बस चले जा रहे हैं। कब तक और कैसे चलेगा सर? कभी कभी तो मन करता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के वापस चले जाएं, लेकिन फिर पापा का चेहरा सामने आ जाता है। रोज रात को जब क्वार्टर लौटते हैं ना सर, तो ऐसा लगता है आउट होकर पवेलियन लौट रहे हैं। पूछ रहे थे ना कि यहाँ पे क्यों बैठे, यही सोचते रहते हैं बस, कहीं पे भी बैठे। ये तीनों अब ओडीआई टीम में फिट नहीं बैठ रहे। जो धोनी को प्रमोट करता है, धोनी उसी को आज बाहर करना चाहता है। ये इन तीनों को निकाल के रुकने वाला नहीं है। वी आर ऑल सर्वेंट्स एंड वी आर ऑल डूइंग नेशनल ड्यूटी। मेरी दुनिया तुम्हारी दुनिया से बड़ी बड़ी नहीं है, एक क्रिकेट के किट बैग के साइज की है। तुम्हें ही झेलना है तो सोच समझ के जवाब देना। विल यू मैरी मी? आर यू श्योर माही? एज श्योर एज आई एम ऑफ गेटिंग अ सेंचुरी इन द नेक्स्ट। बहुत मॉडल टाइप है तू। सॉरी यार, इतना गुड लुकिंग होने के लिए। मुझे पता चल गया तू मेरे साथ क्यों है। क्यों? यही चाहिए ना तुझे, मेरा बदन ले ले चल। बदन? खुद से पहली बार ना शिव कोई तेरे टक्कर की मिली। मुझे फक्र है तेरी चॉइस। मुझे फक्र है तेरी चॉइस पे। साले खुद को देखना, साले फक्र 30 साल का हो गया, एक भी लड़की पटा पाया है? अलमारी से बाहर निकल और एक्सेप्ट कर, आदमी आदमी से प्यार करता है। अगर शिव होता तो क्या करता, लौंडे की चड्डी उतार देता। देखा तूने, तेरा सारा ध्यान लौंडे की चड्डी का। भाई मेरी आइटम को बुद्धा के साथ छोड़ देगा, उसके पास पैसे नहीं है। Honestly बोल रहा हूँ, मैंने एक बहुत बहुत अच्छे घर का शरीफ लौंडा हूँ, लेकिन मुझे तुझे ऐसे देख के ना मुझे वो एकदम डर्टी वाले अश्लील ख्याल आते हैं यार, मैं क्या करूँ? बोल। मुझे भी ना exactly सेम टाइप के ख्याल आते हैं, I swear। Really? चलें। Wow। एक सेकंड में पता चल गया कितने अच्छे घर का कितना शरीफ है।